आंटी मैं इधर से आंटी की बात बताऊंगी, बात क्या बताऊं। इधर से एक गांव में आंटी थी, हमारा सूरतपुर गांव है, फेमस गांव है सूरतपुर गांव, वहां की थी। ध्यान से सुनियो, तो माँ वो थी बड़ी कंजूस, इतनी कंजूस, इतनी घड़ी कंजूस, किसी को एक रुपया देके राजी नहीं। तो जी हम घर दरवाजे के आगे बैठी हुई कुर्सी डाल के, खेत का आदमी था किसान भाई, अपना गाजर काट कूट के गठरी बांध के लेके जा रहा था। अब गठरी बांध के लेके जा रहा और बुढ़िया ने देखा गठरी को, उसमें पीछे गाजर लटक रही थी, गाजर लटक रही थी, उसका कंजूस थी, कहती क्यों नहीं गाजर क्यों ना खींच के ले आऊं, इसने कोई बेरा पटेगा, पीछे आराम से पैर दबाती हुई गई, वो गाजर खींच के ले आई। अब एक गाजर खींची, एक गाजर से क्या बने, ना तो गाजर का हलवा बने, ना तो सब्जी बने, कुछ ना बने, वो पड़ी पड़ी गाजर घर में गई मुझसे, वो गाजर गई मुझसे, हाँ चूहे की डाल और मुझ गई। तीन दिन में एक बाबा आया दरवाजे पे, हेलो निरंजन, वो कंजूस माई कहती ले एक और आ गया, हाँ भाई क्या चाहिए तने, जल्दी बोल तावड़ी बोल, बड़ा काम पड़ा था। कहते माई हम में ब्राह्मण आदमी 24 घंटे में एक के घर ही मांगते हैं, एक ही दरवाजा खटकाते हैं, वहां से कुछ मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो हम सारी भूखे ही रहेंगे। ओहो तो वो क्या बोली, मन में सोचते है कि अगर मैं कुछ ना दूं ये तो आड़े ही मर जाएगा, आड़े मर गया हाँ तो ना मेरा आ जाएगा, अब कुछ देना पड़ेगा इसको तभी जाएगा यहाँ से। ये सोचती रही क्या दूं क्या दूं क्या दूं, मेरे को गाजर याद आ गई कि भाई वो गाजर पड़ी से मेरे भी किसी काम की ना, क्यों ना उसने दे दूं, नाम भी रह जाएगा, ये भूखा भी नहीं मरेगा, खाए या ना खाए इसकी मर्जी। गई रसोई में भागती भागती वो गाजर काट के ले आई, ले बाबा। बाबा ने कहा देखी गाजर, माता ने कहा ब्राह्मण ने कहा सुखी रहा बच्चा खुश रहो, अमिता उसी गाजर लेके चला गया। चार दिन बीते वो बुढ़िया गई मर, और जैसे ही बुढ़िया मरी यमूत आए उसके आत्माओं को लेके गए ऊपर, वहां पे खाता देखा आता है, खाता देखा हाँ भाई क्या क्या किया, कहते जी बहुत बड़ा कुछ किया, कहते क्या किया, कहते किताब तेरे धोरे तू देख ले, मैं क्या पूछती है, कहते हम तो देख रहे हैं हम, अच्छा ये कुछ दान पुण्य किया, रुक 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 सोच लू पहले मैं, कुछ तो किया था मैंने दान, हाँ भाई एक गाजर करी थी, दान गाजर करी थी, हाँ जी गाजर करी थी, भगवान ने गाजर उठा के दिखा दी, ये गाजर करी थी, उन्हें कहा कभी यही गाजर थी माँ के सू, यही गाजर थी, डर था उसके ना कि भगवान इस पर मैंने नाट ना जाए क्योंकि मुझसे भी गाजर है, मैंने कहा हाँ जी ये गाजर करी थी, अच्छा ठीक है भाई उन्हें एक गाजर दान करी है, तेरे को स्वर्ग जाना पड़ेगा नरक में नहीं रह सकते क्योंकि तुम दान पुण्य किया है, बट परेशानी एक रह गई क्या, ये गाजर तुमने मुझसे भी दान करी है, अब मुझसे भी गाजर के साथ तो नैया पार होगी नहीं, जब ना पार करनी पड़ेगी तेरे को स्वर्ग जाने के लिए, काम है करेंगे दो बाय दूध तेरे साथ जाएंगे स्वर्ग में, कह दो गैल जाएंगे स्वर्ग में, कहते हाँ एक आगे से गाजर को पकड़ेगा एक पीछे से गाजर को पकड़ेगा, पीछे बैठेगी तू तैरते हुए जाना है, बैठ गई थी, अब बैठ के जाए जाने लगी, आधे रास्ते पोती दिमाग लड़ाया कि भाई गाजर चुराई मैंने, दान करी मैंने और स्वर्ग जाएंगे दो गैल, मेरी गाजर है तो मैं ही स्वर्ग जाऊंगी, ऐसा कोई उपाय कर दूं कि ना भाई, या तो मैं जाऊं अकेली या तो मैं भी नहीं जाऊं, इन्हें ना जान दूं। उन्हें सोचा और मार दी बीच में डाक जमुना में, जमुना बीच में कूद गई, वो यमदूत गए माई की बात हो गई, कहती मैं गाजर मेरी थी स्वर्ग तुम जाओगे, कहती ना जान दूं मैं एकली जाऊंगी, क्योंकि गाजर किसकी थी, दरबारी की। अच्छा।